नमस्कार दोस्तों, आज कहानी एक बूंद की इस पुस्तक का दूसरा भाग हम सुन रहे हैं। और इस दूसरे भाग में इसका टाइटल है बचपन। नंदी जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 5 जून 1951 को। जन्म का निश्चित समय मालूम नहीं, परंतु दोपहर 1 के बीच का होगा। वार था मंगलवार और तिथि प्रतिपदा। जन्म स्थान हमारे दादाजी का घर मार्तंड चौक में। 5 जून को आज सारी दुनिया में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंदी जी के जन्म के समय साहब का निवास भोपाल में ही था। वे भोपाल के पुट्ठा मिल में मैनेजर थे, परंतु माताजी जापे के लिए इंदौर आई थी। यानी हमारे दादा यानी श्री गोविंदराव पोद्दार का निवास इंदौर में ही था। उनका कुछ वर्ष पहले देहांत हो चुका था। दादी यहीं रहती थी। घर का नाम राधा निवास था। माताजी और मायका यानी करम्बेड़कर परिवार भी इंदौर का रहने वाला था। इसलिए जापे के लिए माताजी इंदौर आई थी। नंदी जी का जन्म राधा निवास में ही हुआ था। बचपन बीता बहुत ठाट बाट में। बहन भाइयों में इनका तीसरा स्थान है। ये बहुत ही हसमुख, मिलनसार एवं शांत स्वभाव की थी। पिता व सदगुरु युग प्रवर्तक श्री माधोजी पोद्दार साहब ने वेदों के पुनरुज्जीवन का कार्य का बीड़ा उठाया था। यही सत्य धर्म के संदिष्टा हैं। इन्होंने सारी मानव जाति के कल्याण के लिए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें अग्निहोत्र रूपी अस्त्र दिया। आज विश्व भर में उन्हीं की बताई विधि से अग्निहोत्र होता है। पहला अग्निहोत्र उन्होंने 1963 में शुरू करवाया था और 1968 में अग्निहोत्र को जन जन में फैलाने का यानी प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया। सभी लोग प्रेम पूर्वक इन्हें साहब कहते थे। ये सदैव अग्रणी रहे हर क्षेत्र में, चाहे खेल कूद हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, घर परिवार हो, हर क्षेत्र में इनकी साहेबी नजर आती थी। लोग इनके व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित होते थे। दीदी के जन्म के समय साहब भोपाल पुट्ठा मिल के मैनेजर के नाते भरपूर कमाई एवं खर्च करते थे। भरपूर पैसा, नौकर, गाड़ी, बंगला सभी कुछ था। उस समय मिल के मजदूरों के घरों में इनके फोटो लगे रहते थे। वे इन्हें भगवान की तरह मानते थे, क्योंकि इन्होंने मजदूरों के लिए बहुत काम किया था। भोपाल में उस समय लोग कहते थे कि एक नवाब और दूसरे पोद्दार साहब, यानी नवाब में इनकी गिनती होती थी। साहब खूब कमाते, स्वयं ठाट से रहते, अपने परिवार को ठाट से रखते और दूसरों की मदद भी खूब करते। इनके पास आया कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। लौकिक दृष्टि से कहीं कोई कमी नहीं थी। साहब जब लौकिक दृष्टि से अच्छी अवस्था में थे, इसी समय अपने सद्गुरु श्री गजानन महाराज जी के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। अपने सद्गुरु के समक्ष वेदों के पुनरुज्जीवन का कार्य निष्ठा के साथ करने की प्रतिज्ञा करके स्वयं को इस कार्य हेतु समर्पित कर दिया। इन्हें अब करना था जन कल्याण का कार्य, वेदों के पुनरुज्जीवन का कार्य। इस कार्य हेतु साहब ने बहुत ही कष्टदायक जीवन जिया। सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी साहब में बचपन से ही थी। जिस बात को वे एक बार ठान लेते, उसको करके ही रहते थे। श्री जी को धर्म स्थापना है तो जिस तरह के व्यक्ति की जरूरत थी, ये सभी बातें साहब में होने के कारण ही उन्होंने साहब को इस कार्य के लिए चुना। साहब ने अपनी साहिबियत को इस क्षेत्र में भी कायम रखा और धर्म क्षेत्र में भी वे विजयी हुए। उनकी महानता का वर्णन परम सद्गुरु ने इन शब्दों में किया है, हिमालय से भी ज़्यादा ऊँचाई है कार्य की नहीं तुम्हारी अपनी, इससे बड़ी ऊँचाई और क्या हो सकती है भला। तो ऐसे थे साहब। माँ सुमती पोद्दार भी हसमुख, मिलनसार एवं पति के अनुसार चलने वाली थी। माँ एक साधारण महाराष्ट्रीयन रूढ़िवादी परिवार से थी, पर साहब से विवाह करने के पश्चात उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से साहब के अनुकूल बना लिया था। साहब के साथ पहले अत्यंत शानो शौकत, भरपूर पैसे, नौकर चाकर, गाड़ी बंगले वाला ठाट का जीवन जिया, तो बाद में अत्यंत गरीबी वाला कष्टपूर्वक जीवन। साहब ने जो भी निर्णय लिया उसमें इनका कभी विरोध नहीं रहा। इन्होंने साहब के जीवन में आए हुए परिवर्तनों में कभी कोई
बाधा उपस्थित नहीं की वरन सहयोग ही किया। इन्हें साहब पर पूर्ण विश्वास था कि वे जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। परिस्थिति बदलने यानी अमीरी से गरीबी की ओर आने पर लोगों ने तरह तरह से बोला भी, पर इन्होंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। कार्य हेतु कष्टपूर्वक जीवन हो या अग्नियुत्र प्रचार, सदैव साहब का सहयोग ये करती रहीं। इन्होंने साहब के सत्य धर्म को पूर्ण रूप से स्वीकारा एवं उसका आचरण तथा प्रचार भी किया। इस सब के पीछे एक ही कारण था, उनका अपने पति पर विश्वास कि वे जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। माता जी ने स्वतंत्र रूप से कभी कोई कार्य नहीं किया, वरन कार्य में सहयोग ही किया, लेकिन वे निश्चित ही विशिष्ट थी। तभी तो उन्हें एक मार्गदर्शक सदगुरु की पत्नी होने का सौभाग्य मिला, तो दूसरे मार्गदर्शक सदगुरु की माता होने का। मुझे लगता है कि ऐसा सौभाग्य बिरलों को ही मिल पाता होगा। जब इनका एडमिशन स्कूल में हुआ, उस समय साहब ने पुट्ठा मिल की नौकरी छोड़ दी थी। रूबी होटल में रहा करते थे। इस होटल के मालिक थे सोहराब जी, जो कि इनके दादा की उम्र के थे। वे इन बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। भोपाल के जाने माने कैम्ब्रिज स्कूल में इनका एडमिशन मकान मालकिन एवं उनकी बेटी ने माता जी के साथ जाकर करवाया था। स्कूल में एडमिशन के समय नन्नी जी की उम्र 4 साल व जहन जी की 6 साल थी। छठवीं करके जब स्कूल से निकली, तब इनकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी। साहब की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण इनका बचपन बहुत ही शानो शौकत से बीता। साहब बहुत व्यस्त रहते, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए कुछ समय अवश्य निकालते थे। रविवार का तो पूरा ही दिन केवल बच्चों के लिए होता था। रविवार को कभी मूंगफली खाना तो कभी और कुछ, पूरा दिन साहब के साथ खेलने खाने में ही बीतता। उधर मस्ती करने के लिए साहब एक समय देते, उस समय मस्ती करने की पूरी छूट होती। रूबी होटल के घर की बात है, बच्चे मस्ती के मूड में थे। साहब एक कुर्सी पर बैठे थे, पैर उन्होंने एक तिपाई स्टूल पर रखे थे। जैन जी साहब की गोदी में जाकर बैठे तो नन्ही जी को लगा कि मुझे भी बैठना चाहिए। वे जाकर जैन जी की गोद में बैठ गईं। इन दोनों के वजन के कारण स्टूल पर से साहब का पैर फिसल गया। नन्ही जी दूर जाकर गिरी, वहाँ खंभे का एक कोना निकला हुआ था, उनसे इनका सिर टकरा गया। रात के 10 बजे का समय, कहाँ ले जाएं कुछ समझ में नहीं आया। होटल में एक चांद मियाँ काम करता था, उसकी माँ ने तुरंत एक रेशम का कपड़ा लाया, उसे जलाकर उसकी भस्म तैयार की व नन्ही जी के सिर के जख्म में भर दी। इससे खून बहना बंद हुआ, पर जख्म गहरा था, अतः ठीक होने में समय लगा। बचपन के जख्म का निशान आज भी उनके सिर पे है। माताजी बच्चों पर बहुत ध्यान रखती। घर में प्रत्येक काम करने के लिए नौकर होने से माताजी के पास बहुत समय रहता। खाने पीने के ठाट थे, सूखे मेवों से इनकी जेबें भरी रहती। बच्चों की आवश्यकता की प्रत्येक चीज घर में उपलब्ध थी। माताजी ने एक नौकर के घर एक गाय रखी थी, ताकि बच्चों को गाय का दूध मिल सके। कपड़े भी अनगिनत थे। साहब जब भी बच्चों के लिए कपड़े लाते, वे दर्जनों में ही हुआ करते। बच्चे जो भी चीज़ लेने की इच्छा करते, उनकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाया करती। कपड़े धोबी के यहाँ से धुलकर एवं प्रेस होकर आते थे। रोज शाम को माताजी व बच्चे कपड़े बदलकर तैयार होते, क्योंकि साहब को घर में वैसा ही रहना पसंद था जैसा बाहर जाते समय। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद साहब का मूड घूमने जाने का हुआ, तो किसी को दोबारा तैयार न होना पड़ता। जैसे हैं वैसे ही निकलना साहब की पसंद थी, और ऐसा ही होता था। जब भी कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता था, तो वे अकेले में पूछते, कैसे रहते हो, घर में क्या ठाट बाट है, ये जानने की उनकी इच्छा होती। इसी के साथ थोड़ा रूखा व्यवहार भी झेलना पड़ता। पैसे वालों के बच्चे हैं इसलिए, क्योंकि पूरे परिवार व रिश्तेदारों में कोई भी साहब की आर्थिक स्थिति के आसपास भी न था। हर गुरुवार का दिन होता था पिक्चर के लिए। साहब माताजी व बच्चों को पिक्चर ले जाते थे। नन्ही जी ने अपने बहुत सारे फ्रॉकों का नाम ही सिनेमा वाले फ्रॉक रखा था, क्योंकि ये उसी दिन पहने जाते थे। नन्ही जी व जैन जी उस समय छोटे थे, अतः ये पिक्चर हॉल में जाते व अपनी मनपसंद की चीज़ें खाकर सो जाते। पिक्चर से इन्हें कोई लेना देना न होता था, पर जाते अवश्य थे। दीदी शौक में साहब के बालों पर हाथ फेरती या कभी कभी कंघा फेरती, तो साहब कहते कि नलिनी को देखकर हमें अपनी छोटी बुआ की याद आ जाती है। ये बुआ विधवा थी, अपने भाई यानी हमारे दादाजी के घर पर रहती थी। दीदी के बचपन में एक बार साहब की बड़ी बुआ घर पर आई थी।
उनके साधु बेटे जिनका नाम स्वामी विट्ठल देव था के शिष्य शिवपुर में नर्मदा किनारे रहते थे, वहीं से वे बुआ दो दिन के लिए आई थी। काफी वृद्ध थी, कमर से झुक गई थी, वे अभी भी सुंदर दिखती थी। साहब ने बताया कि छोटी बुआ इनसे भी ज़्यादा सुंदर थी। साहब को बचपन में संभालने का काम उन्होंने किया था। वे दिमाग से काफ़ी तेज थी और साहब को भरपूर शरारत करने का मौका दिया करती थी। वे बाल विधवा थी, संन्यस्त सा जीवन था, स्थायी मौन व्रत था, बातें नहीं करती थी, केवल भगवान के नाम ही लिया करती। माधव श्री कृष्ण का नाम होने से वे इन्हें नाम से बुलाती। उनका साहब पर अत्यंत प्रेम था। उनकी मौन व्रत की भाषा को इतनी छोटी उम्र में साहब समझा करते थे। साहब कहते, नली जी के लिए हमें लगता है कि हमारी छोटी बुआ ही वापस आ गई है। पांचवी क्लास में पढ़ती थी उस समय इनकी एक लड़की से घनिष्ठ दोस्ती हो गई थी, जिसका नाम किरण सहगल था। वैसे तो अन्य लड़कियों से भी मित्रता थी, परंतु किरण से विशेष घनिष्ठता थी। इनके साथ बचपन में विचारों का आदान प्रदान भी होता। एक बार किरण ने इनसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो। इन्होंने तुरंत मन में जो विचार था व्यक्त कर दिया, बड़े होकर डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करना है, शादी नहीं करूंगी क्योंकि शादी करके बंधनों में जीवन बिताने के बजाय मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई अच्छा काम हो, मैं लोगों की सेवा करूं, काम आ सकूं। इस पर उसने कहा, तुम अभी यह सोच रही हो पर बड़े होने पर तुम्हारी यह सोच बदल जाएगी। तब उन्होंने कहा कि बड़े होने पर देखा जाएगा, अभी तो विचार पक्का है कि शादी नहीं करना है। अपने आसपास रिश्तेदारों में बहुत सी महिलाओं को दुखी देखा था। वे अपने वैवाहिक जीवन से त्रस्त थी, हमेशा कोई न कोई रोना लगा रहता था। तभी इन्होंने सोचा कि शादी नहीं करना है क्योंकि मैं इस तरह रोते हुए जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। इस तरह रोने वाली, बेचारगी ओढ़कर जीने वाली महिलाओं से इन्हें बड़ी कोफ्त थी। हालांकि बचपन में ये खुद बड़ी रोटली थी, जरा जरा सी बात पर रोना आ जाता था। यह बहुत छोटी उम्र की बात है। अब 8-10 वर्ष की उम्र में इन्हें लगता जिंदगी रोते हुए गुजारने से बेहतर है कि जीवन का कोई लक्ष्य हो, अपने हाथों से कुछ अच्छा काम हो। इसलिए इन्हें बाई कहना पसंद था। बाई यानी बेचारी, रोने वाली, ऐसी इनकी धारणा थी। उस समय की पद्धति के अनुसार घर में काम करने वाले नौकर इन्हें बेबीताई कहते थे। ऑफिस के कर्मचारी हों या घर के, बेबीताई कहा तो इन्हें बड़ा गुस्सा आता था। वे माँ से शिकायत करती कि इनसे कहो कि मुझे बाई न कहें, मैं बाई नहीं हूँ। नौकरों से भी कहती कि मुझे बाई मत कहो, इनका उस व्यक्ति से झगड़ा हो जाया करता। वे त्रस्त होती और इन्हें लगता कि ये शब्द मेरे लिए नहीं है, किंतु मुझे बेबी क्यों नहीं कहते। इस पर कर्मचारी वर्ग की हिम्मत न होती सिर्फ बेबी कहने की। जो शब्द इन्हें बिल्कुल पसंद था वह बाई शब्द आगे चलकर इनसे सतत चिपका रहा, क्योंकि प्रचार के दौरान ग्रामीण वर्ग सब इन्हें बाई ही संबोधित करते। सम्मान सूचक बेटी बहन के लिए बाई शब्द ही गाँव में प्रचलित था और अब इन्हें अच्छा लगने लगा था। सन 1958 में साहब घर के सब लोगों को साथ लेकर अपनी गाड़ी से अक्कलकोट गए थे। स्कूल की गर्मियों की छुट्टी थी, भोपाल से सीधे नासिक पहुंचे, रात एक होटल में रुके और दूसरे दिन शाम को अक्कलकोट पहुंच गए। यहां करीब 1.5 महीना बहुत आनंद के साथ बीता। यहां हम उम्र बच्चे खेलने के लिए मिल जाने से समय बहुत अच्छी तरह कटता था। खेलने का तो इन्होंने बहुत मजा लिया, लेकिन खाने पीने में बहुत दिक्कत थी। वैसे भी एकाध रोटी ही खाती थी। जब भी थाली के सामने आती तो रोना आता, यह समझ न आता कि क्या खाया जावे। न पसंद की सब्जी थी न दाल। अक्सर यही होता कि बच्चे खाना खाने पहली पंगत में बैठते। इनके साथ और भी बच्चे होते, उस समय श्रीजी यहाँ चक्कर लगाने आते थे। यह देखकर कि नलिनी पूरा खाना रखकर बैठी हुई है, कुछ भी खाया नहीं है, वे इनकी थाली में अलग से कुछ परसवाते, जिसमें कच्चे आम का मुरब्बा, अचार या गुड़ की डली आदि। थाली में ये चीज़ें आने पर फिर खाने में कोई दिक्कत न होती। श्रीजी ध्यान रखते थे कि बच्चों का भोजन अच्छे से हो जाए। इसी तरह की परेशानी इन्हें दादी के घर में भी हो जाया करती थी। खाना इनके लिए बचपन में बड़ी समस्या थी। मनपसंद भोजन न मिलने पर बड़ी दिक्कत होती। ऐसे समय में भूखा रहना पसंद था पर चिक-चिक करना नहीं। अतः दादी स्वयं ध्यान रखती कि लड़की खाएगी नहीं, भूखी रह जाएगी, तो वे इन्हें पसंद की कोई चीज़ देती जिससे भोजन हो जाए। खाने पीने को लेकर कोई जिद न थी। यह सब नखरे चलते रहे
जब तक कि घर की परिस्थिति न बदली। जब तक घर में सब कुछ था तब खाने को मन न करता था, अब कुछ था ही नहीं तो जो मिलता चाव से खाया जाने लगा। जब भी दादाजी के घर इंदौर जाना होता तो दादी इनके खिलौने अलग से संभाल कर रखती और इन्हें देती। खाने पीने का सामान जो भी नहीं लगता दिलवाती, पर दादी के यहाँ रुकना भी दो चार दिन से ज़्यादा ना होता। जब भी वे एकाध वर्ष की हुई तभी नानी गुजर गई। नाना घर पर अकेले एवं मामा बहुत छोटे, अतः वहाँ कभी रुकना नहीं हुआ। सवेरे जाते और शाम को लौट आते। 1958 में नाना भी गुजर गए। दादा दादी नाना नानी के यहाँ रुकने का जो मज़ा बच्चे लेते हैं वह मज़ा इन्हें अक्कलकोट में ही मिला। एक बार ये और जयंत के साथ साथ अस्वस्थ हुए। तब साहब आयुर्वेद में विश्वास रखते थे, अतः वैद्य श्री शिवनारायण शर्मा को बुलाया गया। केवल जयंत जी के लिए दवा का प्रबंध हुआ, नली जी के लिए नहीं। श्री जी ने साहब से कहा था कि प्रकृति ने लड़कियों में ज़्यादा सहन करने की, रोगों से लड़ने की क्षमता दी है। साहब देखना चाहते थे बिना दवा के नलिनी जैन के पहले ठीक हो गई थी। बचपन में जैन जी बहुत उद्यमी थे। एक होल्डाल का पट्टा लेकर उसका झूला बनाकर उस पर झूलने लगे। सबने मना किया पर वे नहीं माने। साहब उस समय दौरे पर थे। अंततः जैन जी गिर पड़े, हाथ में बहुत चोट आई। असहनीय दर्द था उन्हें, एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला था। वे रात भर श्री जी को याद करते रहे, बचा लो कहते रहे। उस समय नलिनी जी को लग रहा था कि भगवान है श्री जी इसमें क्या करेंगे, जो तकलीफ हमारी है वो तो हमें सहन करनी पड़ेगी, क्यों इस तरह श्री जी को पुकार रहे हैं। कुछ समय बाद दीदी को बैठने की जगह पर एक फोड़ा हो गया। बहुत बड़ी गांठ थी, बहुत दर्द था, उठना बैठना मुश्किल हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने दवा दी परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा, तो चीरा लगवाने को कहा। जब अस्पताल जाना था तो साहब ने कहा हम तो साथ जाएंगे नहीं, तुम माता जी को साथ ले जाओ, रोना मत और उन्हें परेशान मत करना। इन्हें तब कोई भगवान याद नहीं आए, कोई प्रार्थना नहीं की। याद था तो केवल इतना कि साहब ने कहा है रोऊंगी नहीं, माँ को परेशान करूंगी नहीं। चीरा लगाया, असहनीय दर्द से चीखना तो हुआ पर रोना नहीं। माता जी खुश थी कि उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ा। डॉक्टर ने बहुत पीठ थपथपाई कि बहादुर लड़की है, इतने अच्छे से सब करवा लिया। बचपन से इन्हें गिड़गिड़ाना पसंद न था, भले ही देवघर क्यों न हो, आई परिस्थिति का सामना करना इन्हें पसंद था। मेरे कष्ट दूर करो ऐसा भगवान से कहने के बजाय मुझे हिम्मत दो ये कहना ज़्यादा बेहतर था। इन्हीं दिनों इन्हें एक चस्का लगा अचार खाने का। चोरी होती अचार के फाकों की, मिर्ची लगती तो नल पर जाकर धोया जाता। माता जी सोचती अचार इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहा है, परंतु चोर पकड़ा ना जाता। अचार खाने से स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, पेशाब बंद हो गई, बहुत जलन होती थी। वैद्य आए, पूछा अचार खाती हो, और चोरी पकड़ी गई। केवल मट्टे पर रहना पड़ा कई दिनों तक। भयंकर जुकाम हो गया, नाक से सतत पानी टपकता रहा, तब जाकर अचार की गर्मी खत्म हुई। भविष्य में अचार से बच के रहने का सबक मिला। स्कूल शुरू होने से पहले ही सामान्य शिक्षा माँ ने घर पर करवा दी थी। अक्षर परिचय, गिनती आदि, रामायण महाभारत एवं अन्य पौराणिक कहानियां वे सुनाई करती। रोज शाम को भगवान के फोटो के सामने खड़े होकर शुभम करोति कल्याणम कहना आदि सिखा दिया था। अपनी तरफ से अच्छे संस्कार देने का माँ का पूरा प्रयास था। चौथी कक्षा तक तो पढ़ाई ठीक ही थी, तीसरी तक तो साहब इनकी पढ़ाई की ओर ध्यान देते, लेकिन धीरे धीरे उनकी व्यस्तता बढ़ती चली गई और समय निकालना कठिन हो गया। अब पढ़ाई के लिए ट्यूशन लगा दी गई। पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी होने की वजह से माँ ध्यान नहीं दे सकती थी। ट्यूशन के बावजूद अब छठवीं में जाकर दोनों फेल हो गए। फेल होने के बाद आगे की पढ़ाई ना हो सकी। बच्चों को उस समय यही बताया गया कि फेल होने के कारण शाला छोड़ना है, हालांकि पढ़ाई बंद होने का कारण था आर्थिक। इसी वर्ष आर्थिक तंगी के कारण जून माह में कार भी बेच दी गई, जबकि जुलाई में स्कूल शुरू होने वाले थे। जिस कैम्ब्रिज स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे वह उस समय भोपाल का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था। आर्थिक तंगी के कारण अब वहाँ पढ़ाना संभव न था और दूसरे किसी स्कूल में साहब पढ़ाना नहीं चाहते थे। इस तरह सारी शिक्षा अब खत्म हो चुकी थी। स्कूल बंद हुआ तो इनकी सहेली किरण घर आई समझाने के लिए।
वह बोली, फेल होने के कारण वहाँ नहीं पढ़ना है तो दूसरे स्कूल में पढ़ सकती हो, दूसरा स्कूल पास ही में है, पर पढ़ाई मत छोड़ो। तुम तो अपने पापा से बात नहीं कर सकती तो मैं बात करती हूँ। इन्होंने अपनी सहेली से कहा, उनसे तो तुम बात करोगी नहीं, लेकिन मेरे घर आकर यही बातें करनी हो तो आगे से तुम मेरे घर आना ही मत। इसके बाद 5 साल तक ये उसे हमेशा अपनी मौसी घर यानी जो हमारे घर के पास था आते आते देखती रही, पर दोस्ती खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसका घर आना यानी ऐसी बातें होना जो साहब को तकलीफ पहुंचाती और साहब को तकलीफ अपनी वजह से नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं लगता। जब पढ़ाई छूट गई तो चाचा अच्युत खुद्दार ने माँ से कहा कि हम बच्चों को इंदौर ले जाएंगे और वहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन साहब ने मना कर दिया क्योंकि वे बच्चों को अपने पास ही रखना चाहते थे। अब स्कूल जाना न होता अतः सारा दिन घर पर ही बीतता। 1961 में अगस्त में इंदौर जाना तय हुआ। इस बार बस से जाना था, लेकिन बस से जाना भी एक मनोरंजन ही था। पहली बार बस में बैठने को मिला। इंदौर में माता जी के एक रिश्तेदार चाचा के यहाँ सप्ताह भर रुकना हुआ। फिर हम किराए के कमरे में आ गए। यह ऐसी जगह थी जहाँ प्रायः सभी माता जी को जानते थे। माता जी का बचपन यहीं बीता था। यहाँ पर नली जी ने तरह तरह की हिंदू धार्मिक परंपराओं को जाना, रीति रिवाजों को जाना। यहाँ पहली बार हरतालिका व्रत रखा यह देखने के लिए कि भूखे रह सकते हैं, जाग सकते हैं कि नहीं। माता जी की डिलीवरी का समय नज़दीक होने के कारण उन्होंने तो फल खा लिया, पर दीदी ने कुछ भी नहीं खाया। मोहल्ले की कई महिलाओं के ग्रुप में ये सबसे छोटी बच्ची थी। महिलाओं को बहुत कौतुक था इनका। इसी दौरान गणेश जी दुर्गा जी को बिठाना, उनका विसर्जन, पूजा पाठ, उपवास, दिवाली के कार्यक्रम, इस तरह सारी हिंदू पद्धति देखने को मिली। सभी महिलाएं रात भर जागरण करती, आरती एवं प्रसाद होता। दीदी की उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। इस उम्र की अन्य कोई लड़की न थी। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी रुचि के साथ सब कुछ कर रही है, अतः ये सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। वो सभी की बहुत लाडली थी, सभी का प्यार इन्हें मिला। इंदौर में माता जी प्रसव हेतु आई थी, यही मेरा विजया का जन्म हुआ। दीदी ने जो उन्मुक्त जीवन 3 महीने जिया था, बाहर घूमना फिरना, खेलना इत्यादि, उस सब पर अब पाबंदी लग गई थी क्योंकि माता जी के बाद यदि घर में कोई बड़ा था तो वह दीदी ही थी। सभी काम इन्हें ही करने पड़ते थे। रात में जितनी बार मुझे दूध की जरूरत होती ये गर्म करके देती थी। माता जी की डिलीवरी से संबंधित काम हो या घर के काम, सभी इन्हें करना होते। एक तरह से माता जी का यह जापा इन्होंने ही किया। इंदौर के ये 4 महीने दीदी ने बहुत आनंद के साथ बिताए। इनसे किसी को शिकायत न रहती। छोटे हो बड़े या बराबरी के सभी के साथ इनका निभ जाता था। खेलने के लिए बच्चे अपनी जैसी स्थिति के हो या कर्मचारी के बच्चे, सभी के साथ खेल होता। पैसे वाले होने का अभिमान इन्हें न था, सभी इन्हें पसंद करते। इनके बारे में माता जी या साहब को कभी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। इनकी अमिट छाप पड़ती थी, जो भी इनसे मिलता इन्हें याद रखता। वर्षों बाद मैं माता जी के साथ इंदौर गई, तब जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसी बाड़े में भी गए थे। श्रीमती केलकर ने दीदी के बारे में पूछा, कहा, शकुंतला तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा उसकी याद आती है। अन्य जो महिलाएं थीं सभी ने दीदी के प्रति अपना प्यार जताया। ये सभी महिलाएं दादी की उम्र की थीं। दीदी अपने आज्ञा पालन के गुण के कारण बचपन में ही सभी लोगों की प्रिय रही। डांट खाने का अवसर कभी ना आता था क्योंकि दूसरों को जिस काम को करने के लिए मना किया जाता वह काम ये करती ही नहीं थी। इसे समझदारी कहें या अनुशासन, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण बचपन बहुत आनंद से बीता। साथ खेलने वाले बच्चों से कभी लड़ाई नहीं होती थी, हमेशा बराबरी वालों की, बड़ों की बहुत लाडली रही। यहाँ पर कहानी बुनकी का दूसरा भाग समाप्त होता है। इसके आगे सुनने के लिए कृपया तीसरा भाग सुने। यह किताब का लेखन किया है आदरणीय विजय जी ने और यह पुस्तक माधव आश्रम भोपाल से प्रकाशित हुई है। माधव आश्रम भोपाल वह स्थान है जहाँ से अग्निहोत्र का पुनर्जीवन 1963 में हुआ था और 1968 में पहली बार प्रचार की शुरुआत माधव आश्रम भोपाल से हुई थी।
आप कभी यदि माधव आश्रम आना चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इस जगह का आनंद ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.agnihotraindia.in या www.madhavashramindia.in। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।